बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, चरणों दया में ताए गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, नित आवे ताए गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया। तन तन गुरु गोबिंद सिंह जी, 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 तन तन गुरु गोबिंद सिंह जी। कलगियां वाला तन तन तन, बड़ा धन धन धन, कलगियां वाला धन धन धन, कलगियां वाला धन धन धन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु जो खालसा पंथ सजाए गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, नौन दे आवे ताए गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, नौन दे आवे ताए गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तन तन श्री ग्रंथ साहिब जी, तन तन श्री गुरु 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 ग्रंथ साहिब जी। तेरी महिमा कहीं ना जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, लखी न जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया। तन तन तेरा पंथ खालसा, 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 तन तन तेरा तेरा पंथ खालसा, तन तन तेरा पंथ खालसा, तन तन तेरा पंथ खालसा। जो गुर चरणी चित लाए तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, चरणी चित लाए गुरु तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। ओ धरती कर्मा वाली है, धरत नसीबा वाली है, धरती कर्मा वाली है, धरत नसीबा वाली है, धरती कर्मा वाली है, ओ धरत नसीबा वाली है, धरती कर्मा वाली है, ए धरत नसीबा वाली है। जाए बहन गुरु मेरा, ओ धरती कर्मा वाली है, ओ धरत नसीबा वाली है, बहे गुरु मेरा, ये धरती कर्मा वाली है, ये धरत नसीबा वाली है। जाए बहे गुरु मेरा, ओ धरती कर्मा वाली है, ओ धरती कर्मा वाली है। जाए बहे गुरु मेरा, ये धरती कर्मा वाली है, ये धरत नसीबा वाली है। देख 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 पंथ की जीत, पंथ की जीत, पंथ की जीत, झूलते निशान रहे झूलते निशान रहे पंत महाराज के। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। देख देख फतेह, देख देख फतेह।
ਤਗ ਤਗ ਫਤਿਹ ਤਗ ਤਗ ਫਤਿਹ ਤਗ ਤਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨ ਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਪੰਥ ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਣ ਗਈਆਂ पंथ तेरे दिया गूंजा दिनों दिन पैण गिया 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 बोले सोनिहा श्री अकाल वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी झुकाओ सतगुरां दे पवित्र चरणां विच सीस एक वारी ते प्यार सत्कार दे नाल बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दा अहम दिहाड़ा जो आप सारियां सिख संगतां इत्थे हाजर होईयां हो आओ किसे भी काम दी बैकग्राउंड होया करदी है किसे धर्म दी बैकग्राउंड होया करदी है किसे पंथ दी बड़ी वड्डी बैकग्राउंड होया करदी है आओ अज दे दिन संत महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह राड़ा साहब वालियां दी पवित्र 29वीं सालाना बरसी मनाई जा रही है। ये संपर्दा दे सिरमौर रतन साहबे कमाल साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज पंजा प्यारियां दे मुखी भाई साहब भाई दया सिंह जी जिन्होंने केसगढ़ आनंदपुर की धरती ते 13 अप्रैल 1699 की विसाखी वाले दिहाड़े सतगुरां दे पवित्र चरणों में अपना शीश भेट करके इस संपर्दा का मुढ़ बन्निया। आओ इस संपर्दा दे सिरमौर रतन भाई साहब भाई दया सिंह जी पंजां प्यारियां दे मुखी उन्हां तो बाद बाबा सोभा सिंह जी सोटी उन्हां तो बाद बाबा साहब सिंह जी बेदी ऊना साहब वाले उन्हां तो बाद महाराज बाबा भाग सिंह जी कुरी वाले बाबा पीर सिंह जी नुरंगाबाद वाले बाबा महाराज सिंह जी खुदा सिंह जी बाबा राम सिंह जी विरक्त बाबा करम सिंह होती मरदान वाले संत बाबा अतर सिंह रेरू साहब इस संपर्दा दे नौवें रतन संत जी महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले जननी जनेता भगत जन कै दाता कै सूर नहीं तो जननी बांज रहे काहे गवावे नूर जन्म मरण दूहूं मैं नाहीं जन पर उपकारी आए जी दान ते भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए टुटियां रूहां नूं रब नाल जोड़न वास्ते 5 अगस्त 1905 नूं संत जी महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह राड़ा साहब वालियां ने बाबा राम सिंह माता रतन कौर दी कुख नूं भाग लाया ते संत जी महाराज दे प्रति
ज्ञानी मोहन सिंह जी आजाद ने ऐदा करके लिखा है, इंद्रपुरी दे साज भी मात पै गए, इंद्रपुरी दे साज भी मात पै गए, तेरा वजिया जा एक वार वाजा, पत्थर होण पाणी कायर मर्द बन दे, पत्थर होण पाणी किसे शहर ने दसिया भी है। संत महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह राड़ा साहब वाले कदी अपनी मौज दे विच कीर्तन करिया करदे, चलदे दरियावां दे पाणी रुक जांदे, उड़दे आकाश विच पंछी धरती ते बह जांदे, ते जिहड़ा एक वारी दर्शन कर लैंदा ते उहदा कदी चित नहीं सी करदा, उहनां सज विआहियां छड्डियां छड्डे मकलावे। कहिंदे ने कई इहो जिहे लोक भी आए जिहड़े सजे विआहे होए नवें विआहे, उहनां सज विआहियां छड्डियां छड्डे मकलावे, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਸਾਜ ਵੀ ਮਾਤ ਪੈ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਵੱਜਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਜਾ, ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਪਾਣੀ ਕਾਇਰ ਮਰਦ ਬਣਦੇ, ਤਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਠਾਰ ਵਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਰਗੀ, ਬਾਣੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਰਗੀ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਘਰ ਘਰ, ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਮੋਟੇ ਮਹੰਤ ਘਰ ਘਰ, ਖਾਲਸ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਤੱਤ ਜੈਸਾ, ਖਾਲਸ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਤੱਤ ਜੈਸਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ ਪੰਥ ਘਰ ਘਰ, ਲੱਖਾਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਘਰ ਘਰ, ਲੱਖਾਂ ਫਿਰਨਗੇ ਟੋਲੇ ਬੇਹੰਗਮਾਂ ਦੇ ਬੇਹੰਗਮ, ਲੱਖਾਂ ਫਿਰਨਗੇ ਟੋਲੇ ਬੇਹੰਗਮਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਘਰ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੇਵੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੇਵੇ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਦਿਉ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮੌਸਮ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 29 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਰਸੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੁੱਕੀ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਰਸੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੁੱਕੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਆਉਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਲ ਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ।
ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਾ ਸੀ ਚੱਕੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਟਰ ਕਾਫੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹਾਲ ਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਵੋਗੇ ਉਨਾ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾੜੇ ਦੀ ਢੱਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਹਰ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਾਉਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਏਕ ਫੂਲ ਥਾ ਤੇਰੇ ਜਲਵੇ ਹਜ਼ਾਰ ਥੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ ਥਾ ਤੇਰੇ ਨਗਮੇ ਹਜ਼ਾਰ ਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਕ ਮਨਮੁੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਕੇ ਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤੀ ਆਵੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੀ ਪਿਆਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਨਲੇ ਗੁਰਮਤ ਵੰਜੇ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡਣੇ ਸੇ, ਹੋਟ ਲੈਂਦੀ ਜਗ ਸਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹ ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ, ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹ ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ, ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ। ਇਹਾਂ ਘਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹ ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਘਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹ ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ, ਆਹ
बसन सोहेला जी आगे बसन सोहेला बतन सोहेला जी आगे बतन सोहेला जी बतन सोहेला जी आगे बतन सोहेला जी आगे बतन सोहेला जी आगे बतन सोहेला जी बतन सोहेला जी आगे बतन सोहेला बस सोहेला जी आगे बतन सोहेला जी बतन सोहेला आगे बतन सोहेला जी आगे बतन सोहेला जी आगे बतन सोहेला जी बतन सोहेला जी आगे बतन सोहेला जी बतन सोहेला जी बतन सोहेला जी बतन सोहेला जी आगे बतन सोहेला जी बतन सोहेला जी बतन सोहेला जी बतन सोहेला जी आगे बतन सोहेला जी इया काट चलो हर लागा आगे बतन सोहेला इया काट चलो हर लागा आगे बतन सोहेला जी 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 करू बनंती सुनो मेर मीता संत टहल की बेला इहा काट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला औद कटा दिन सुरैना रे मन गुरमिल काज सुवारे संसार बिकार संते मैं तरे हो बर्म ज्ञानी जिते जगाए प्यावे हो रत अकत कथा तिन जानी जाको आए टोई बिहाजो हर गुरते मने बटेरा निज कर महल पावो टुक टहजे बौर न हो गो पेरा अंतर जामी पुरख बताते सरदा मन की पूरे नानक दास ए टुक मंग मुख कर तन तन की तूरे पातशाह की बाणी पढ़ी है ना गुरु गोबिंद समर की बाणी गुरु गोबिंद समर की बाणी पढ़ के पता लगता हजूर कहते कहते किडे किडे वड्डे हो गए तुहाडे साडे वर्गियां दा तां ना ही नहीं लिया कहदे वाहिगुरू तुहाडे साडे वर्गियां दा तां गुरु साहब ने अपनी बाणी च जिक्र ही नहीं कीता कलगीधर पातशाह अपनी बाणी च यूं दसदे ने खालसा जरा पढ़ना करो दस रहे समां ज्यादा नहीं लाउणा वड्डे वड्डे दुनिया तो हो गए जो खाक दियां हो गए ढेरियां वड्डे दुनियां ते हो ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਢੇਰੀਆਂ ਪਟਾ ਪਟਾ ਪੂਣੀਆਂ ਹੋ
ਫੱਟ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਢੇਰੀਆਂ ਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਢੇਰੀਆਂ जथा हरमंदर साहब भाई हरमिंदर सिंह जी वो सत्त मिनट लई संगतां दी सेवा करनगे। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल उन्हां तों एक शब्द सरवण करिए। साहिब डंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला सम्रत डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए रोवो साकुत बापुरे जो हाटे हाट बिकाए संत का कया दरगह चले संत का कया दरगह
चलै सफल जन्म धन आज को दिवस रैन पहर मुहूर्त करियो पल पाए है आज बुधवार बुध करे प्रकाश हृदय कमल में हर का वास बुधवार आपे बुध सारे गुरमुख करनी शब्द विचार शब्द गुरु गुर जानी है गुरमुख होए सुरत तुन चेला गुरमुख होए सुरत तुन चेला बिन गुर पूजन होर ना बरने बेमुखा बहुती करी प्रौणा ज्यों रहिंदा भुखा ज्यों रहिंदा भुखा आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज जियो गुरु चरणा विच जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु प्यारे साध संग जी सब तो पहला आपां समय का ख्याल रखना है दिते समय विच समाप्ति करनी है महापुरखा ने बाबा जी होरां ने जो जीवन उपदेश दिता गुरबाणी राही कि दो ही गल्लां बनदियां हैं जे गुरु नाल जुड़ जाइए तो फिर कबीर साहब ने लिखा हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे उन्हां दी अजीब कथा बन जाती है जिहड़े गुरु महाराज नाल जुड़ जाते हैं तो जिहड़े नहीं जुड़ते उन्हां वास्ते फिर लिखा है चार पाम दोई गोंग सिंह गोंग मुख तब कैसे गुण गई है फिर कुत्ते बिल्ले बलदैरा वगैरह बनना पैंदा दो ही गल्लां है कि जे गुरु नाल जुड़ गए तो सदीव काल लई नाम रहेगा जो महापुरखां दीआं बरसियां मनाईआं जांदीआं उन्हां विच नाम आ जाएगा क्योंकि गुरु नानक साहब तो लैके धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक एक जोत है उहदे तों अगे शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिबान महाराज ते जिहड़ा गुरु नाल जुड़ गया ते उहदे बारे पातशाह ने लिखिआ हर का सेवक हर ही जिहा सो आओ दास नूं जो समां मिलिआ है इहदे विच दास समाप्ति करेगा बड़े प्यार से सरवण करो देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो 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 हर सिंघासन दियो श्री गुर तै बिठायो हर सिंघासन दियो श्री गुर तै बिठायो देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो और हस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपे हस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपे असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपे असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपे काटे सो पाप तिन नर होके गुर रामदास जिन पायो आ
दर्शन सुपने समान तेरा हो गया, समान तेरा हो गया, सचखंड रहन वालिया सुपने समान तेरा हो गया, सचखंड रहन वालिया सचखंड रहन वालिया प्यारे जी, सचखंड रहन वालिया प्यारे जी, सचखंड रहन वालिया तेरे प्यारे दर्शन सुपने समान तेरा हो गया, सचखंड रहन वालिया वो दर्शन सुपने समान तेरा हो गया, वो सचखंड तेरा वासिया राज महल दे अंदर एक विद्वान पंडित कथा सुनाया करता सी। पबदल तर जांदे ने नाम दे जपन वाले, पबदल तर जांदे ने नाम दे जपन वाले, कथा सुनाया करता सी। गुरु के संग सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। जब उन्हें कथा शुरू करनी तो एक गल कहनी, राम नाम सत है, राम नाम सत है। गुरु के संग तो राजे दे राज महल दे अंदर उहदे वजीर मंत्री कुछ परिवार दे मैंबर ते कुछ होर आके गुरु के संग कथा पंडित पासू सरवण करदे ने। कहंदे ने उहदे राज महल दे अंदर एक तोता एक पिंजरे दे विच बंदा है, महापुरश बैठे ने, महापुरशों के सत्कार वजू कोई समा लाना नहीं तो दिल तो करता इतने हूँ भोग पा दीए। कहता गुरु की संगत ना एक दिन गुरु किसो रोज ही कथा शुरू करया करे, राम नाम सत है, राम नाम सत है। कहता एक दिन पंडित ने इकला सी, जदों वह पहला कोई समा आ गया पिंजरे दे विच कैदी तोता कहता, तोता कहता पंडित जी तुसीं रोज कथा करते हो भी राम नाम सत है, जिहड़े राम का नाम जपते भगवान का नाम जपते ने 84 लाख जूनिया की कैद तो बरी हो जाते हैं।
की ये सत्त आ? पंडित जी कहते बिल्कुल सत्त आ। तो वह कहता जी मैं छोटे जे पिंजरे की कैच फसया, मैनू कोई राह दसो, माफ करना मैनू कोई राह दसो। वो पंडित जी लगे कहन, कह लगे तोतनू कहते कहते राम राम करया कर, एक दिन इस पिंजरे का ना दरवाजा अपने आप ही खुल जूगा तो तू मुक्त हो जाएगा। तोता बड़ा सियाणा पंछी है। उन्हें आख्या जी सत बचन जी है, ये गल सुना सी पर माफ करना। वो राजमहल एक है पिंजरा, पिंजरे तोता कैदी। तो मैनू उस तोते ने एक दिन कहा पंडित जी जे राम का नाम सत है, जे राम का नाम जीवन संसार सागर तू बरी कर सकता तार सकता तो मैनू कोई राह दस। मैं उन्होंने आख्या भी तू राम राम करया कर। तो उन्हें मैंने कहा भी राह दस, मैं पिंजरे की कैद तू बरी हो सका। मैं क्या तू राम राम करया कर, जो तू राम राम करया करेगा एक दिन इस पिंजरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाएगा। लगा कहन भाई बड़ा राम राम किया, छे महीने का समा गुजर गया, पर अज कहिंदा कि गुरु की संगत मैं जो कथा सुनाउण वास्ते छे दिन पहला गया, कथा की शुरू राम नाम सत है, राम नाम सत है। तो वह कहिंदा राम नाम झूठ है, राम नाम झूठ है। और लगा कहन, कह लगा भी राजा पुछता तोते नूं राम नाम क्यों झूठ आ। मैं पूछा क्यों झूठ आ, कहता तुसीं मैनूं कहिंदे सी जिहड़ा परमेश्वर का नाम जपते ने उहनां दे 84 दे बंधन कट्टे जांदे ने, ते मैनूं कहा सी राम राम करिया कर, तेरा इस पिंजरे का बंधन कट्टिया जाएगा। जिवें जिवें राम राम करेगा ना पिंजरे के दरवाजे अपने आप, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, तू बरी हो जाएगा। घरवाली नूं कहिंदा राजा, कहिंदा करके दिखा हुण पंडित, करके दिखा। तोता कहिंदा कि पिंजरे का दरवाजा नहीं खुला, इस करके करके मैं कहना कि राम नाम झूठ है, राम नाम झूठ है। घरवाली ने आख्या पति देव, फिर आख्या राजे ने हुक्म सुनाता कि अज तू सतवें नूं तैनू ला दिता जाना फाहे। कहिंदा छे दिन तो गए ने गुजर, खाना की सुझना, इत पीना की सुझना, इत नींद की आनी है। इतने कहन लगा भी कल नूं फाहे ला दिता जाना, उच्ची रोन लग गया। वह घरवाली कहिंदी मूर्ख पति देव, आ साढ़े नगर तो बहर रेंदे ने कोई महात्मा कमाई वाले विवेकी पुरश, उन्हां दे चरणां च चले जाओ, वह तैनू राह दसणगे। जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन घर पाया, जद गया महापुरशां दे चरणां च जाके चरण पढ़ के पंडित जी ने रोना शुरू करता। संत लगे कहन भाई कौन है तू क्यों रोंदा, कहिंदा बाबा जी मैं राज पंडित हाँ, राज नूं कथा सुनाया करता सी कि जिहड़ा परमेश्वर का नाम जपदे ने माफ करना वह 84 लाख जूनिया की कैद तू बरी हो जाते हैं। यह क्या करता सी राम नाम सत है। राजे दे राज महल विच एक तो पिंजरा, पिंजरे विच एक कैदी है, तोता राजे ने रखे होया। तो एक दिन मैनू वह तोता लगा कहन पंडित जी तुसी कहते हो कि परमेश्वर का नाम जप के जीवन जिहड़े 84 लाख जूनिया की कैद तू बरी हो जाते हैं। मैं इस छोटे जे पिंजरे की कैद विच सस कैदी हाँ, जेकर मैनू इस पिंजरे दे विच दी कैद तू बरी करो तो मैं भी समझ लवां परमेश्वर का नाम सत है। कह लगे पंडित जी मैं आख्या उस पिंजरे उस तोते नूं, संतां नूं कह रहे संत जी मैं तोते नूं आख्या तू इंज कर, तू इंज कर राम राम करिया कर, जिवें जिवें राम राम करेगा एक दिन पिंजरे का ना दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। 6 महीने का समा गुजर गया, तोता राम राम की रट लाई रखता सी, पर जदों 6 महीने जाप करन तों बाद पिंजरे का दरवाजा नहीं ना खुलिया। अज मैं जो कथा सुनाउणी शुरू की अज तू छे दिन पहला राजे नूं, तां मैं जो कहा राम नाम सत है, राम नाम सत है। तोता कहिंदा राम नाम झूठ है, राम नाम झूठ है। कहिंदा राजा तोते नूं पुछदा आ तू की कहता राम नाम झूठ है। आख्या जी बिल्कुल झूठ, पंडित झूठ बोलदा, झूठ बोलदा। गुरु की संगत माफ करना, एवें नहीं कहा साध की महिमा वेद न जाने, साध की माफ करना जेता सुने तेता बख्याना। अज उन्हां महापुरशां की याद मना रहे जिन्हां ने खालसा दी करके दिखाया, हत्थां दे सरू अजमा के दसी, जिन्हां दे दर्शन करके लखां संत बन गए। अजकल तां कैसटां सुन के भी बन गए ने, पर खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा। संत लगे कहन भी संतां नूं कहिंदा बाबा जी तोता कहिंदा राम नाम झूठ है। राज ने आख्या भी क्यों पंडित जी, मैं राज ने पुछया तोते नूं भी झूठ किवें। तोते ने आख्या जी तुहाडा पंडित कथा करता सी जिहड़े परमेश्वर का नाम जपते ने इस संसार सागर तों तर जांदे ने, उन्हां दे 84 लाख जूनिया के बंधन कट्टे जांदे ने। ते मैनूं तोते ने आख्या माफ करना
कि आख्या राजन मैं पंडित रूप कहा मैं छोटे जे बंधन च फसया होया आ पिंजरे की कैद च फसया तो माफ करना तो मैनू कोई राह दस जे राम नाम सत्ता तो मैनू पंडित ने आख्या भी तोतिया इंज कर राम राम करया कर एक समा आएगा जिमें जिमें राम राम करेंगा पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा तू बरी हो जाएगा। आख्या तोते ने वो पंडित कह रहा जी तोते ने राजे कहा जी छे महीने गुजर गए हैं तो पिंजरे का दरवाजा नहीं खुला तो यह कहता राम नाम झूठ है। आख्या जी हुण राजे ने आख्या जा करके दिखा कि राम नाम किवें सत है तो राम नाम का नाम जपन वाले किवें संसार तू तर जाते हैं जा करके दिखा ता करके दिखा। तब तक कबीर जी ने कहा कि पंडित जी राम राम सबको कहे कह दो बहरू राम राम सबको कहे कहे आ राम ना होए गुर प्रसादी राम मन वसै ता दरगे जापै सोए गुरु की कृपा करके जे मन च बस जाए तो गुरु की संगत होण। ओ पंडित लगा कहण जी राजे ने आख्या सतवें नूं फाहे ला देना आख्या महाराज जी दिन रह गया अज का तो कल नूं संतां ने माफ करना कल नूं राजे ने मैनू फाहे ला देना। संत कहिंदे तू रो ना तू सानू नाल लै चल सवेरे नाल लै चली। आख्या जी सत बचन कहिंदा गुरु की संगत दूसरा दिन आ गया महापुरशां नूं नाल लै के पंडित ना जो राजे दे राज महल विच पुज्जिया कथा का टाइम हो गया तो उधरों पंडित नूं राजा कहिंदा कहिंदा दसो जी राम नाम किवें सत है। उस मौके पंडित ने राजे नूं कहा जी आ मैं महापुरखां नूं लैके आया ये तेरे सवाल का यह जवाब देणगे कि राम नाम किवें सत है। उस समय राजा कहिंदा क्यों संत जी करो कृपा। संत कहिंदे राजन एक तो मैं सिर्फ ना 24 घंटे का टाइम चाहिए तो दूजे नंबर तो मेरी शर्त यह है कि आड़ा तेरा तोता है ना तोता ये असं कोई इकले ना वचन करना इकले ना वचन करना तो 24 घंटे का टाइम चाहिए तो जो जेड़ा तोता कहिंदा ना राम नाम झूठ है तेनू यह तोता ही दसूगा भी राम नाम सच है कि झूठ है। राजा लगा कहन ठीक है जी सारे जेडे सभा च बैठे जी बाहर कढ़ते गए संत अगे वधे ने तोते नूं कहिंदे ने प्रेमिया तू किवें कहना राम नाम झूठ है कहिंदा जी 6 महीने हो गए। पंडित कहिंदा अरे राम दा नाम जपदे ने संसार सागर तू तर जांदे ने मैं कहा जी आ पिंजरे की कैद तू कैद तू बरी करो मैनू इन्हें कहा राम राम करिया कर पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। संत जी दरवाजा की खोलना सी 6 महीने कहिंदे कहिंदे गुजर गया। संतां ने आख्या गल सुनो बंदे दिया पुत्रा राम दा नाम सच है पर समझ लै पहला समझ लै मर अनहद बाणी पूंजी संतन हाथ राखी कूंजी एक सुई नू जुगती है कह दियो बहरू कह दियो बहरू एक सुई नू कोई आकाश उड़ा नहीं सकता लोहे दी है पर एक जहाज भी लोहे का बने जुगती है इंजन फिट किए ने उहदे विच पैलट काम कर रहा है हजारा मन वजन लैके जहाज उड़ता है। संतां ने आख्या भई तुहानू आख्या तोते नू आंदा मित्रा को करना पऊगा जीवन मुख सो आखी है मर जीवा मरिए मर जीवा मरिए अभी कई बार की होंगे रोज़ अरदास होंगी देख के सुन के अंडिठ किया अभी वेख्या भी कख नहीं होंगे सुनिया भी कख नहीं होंगे तो यकीन करके बह जाने कह दो वाहरू सिखी का घर तो बड़ी दूर आ वेख्या कख नहीं कह दो वाहरू वेख्या कख नहीं सुनिया कख नहीं माफ करना यकीन करके बह जाने जीवन मुख सुखी है पहला मरना पैंदा। संत लगे कहन तोते नूं लै तैनूं परी कर देंगे ला भाई टाइम भी इन्ना नहीं लगना फार्मूला गलत हो गए सवाल कभी ठीक नहीं निकलिया करता फार्मू जे कढ भी लईए रटे ना सवाल गलत हो जाता जे फार्मूला ठीक हो सवाल भी ठीक निकल जाता टाइम भी घट लगता गलत फार्मूले की है। खालसा जी कहते ना संतान ने आख्या तो तेन भी गल मननी पऊगी कहता बाबा जी मनूगा संतो सागर पार उतरी है जो को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरी है। बाबा बलवंत सिंह जी जेड़े मेरी जिंद जान ने जिन्हें मैं संत बाबा ईश्वर सिंह का रूप समझदा मैं समझदा जिन्हों का रहमत भरिया बख्शिश भरिया हथ संत जी महाराज तो बाद मेरे सिर पर हमेशा रहा मैनू यकीन है कि हमेशा रखे भी जो दर्शन दे रहे हैं योजे महापुरख उमरा ला के बने ने सदियों से रोती है नरगस अपनी नूरी पे बड़ी मुश्किल से होता है सजनों चमन में पैदा दिदावर वोटा पा के तुसी पिंडां च मैंबर बना सकते हो तुसी जिहड़ा कम कर सकते हो सरपंच बना सकते हो वोटां नाल एमएलए बना सकते हो एमपी बना सकते हो
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਾ ਚੂਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਦਮੋਇਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੂਰੀ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਿਲਾਊਗਾ ਜਲਾਊਗਾ, ਪਤੰਦਰਾ ਹਿੱਲੀ ਨਾ, ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ, ਜੀਵੇ ਮਰੀਏ ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਲਾਊਗਾ ਜਲਾਊਗਾ, ਹਿੱਲ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਹ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਤੋਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਲਾਏਗਾ ਜੁਲਾਏਗਾ ਚੂਰੀ ਖਿਲਾਏਗਾ ਖਾਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਹਿਲਾਵੇ ਜੁਲਾਵੇ, ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਅੱਖ ਵਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਈਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸੁਦਾਗਰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕੱਟੜੀ ਨਾ ਖੋਲੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਸੁਦਾਗਰ ਪੂਰਾ ਗੱਟੜੀ ਨਾ ਖੋਲੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾ ਸੁਦਾਗਰ ਰੰਪ ਦਾਰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਖੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੋਤਾ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਮੋਇਆ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਜਦ ਗਿਆ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਨਾ ਜੁਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਤੋਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਰਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਸ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਥੈਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਥੈਲੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਤੋਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਫਰ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੋਤਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੋਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਰਾਜਣ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ ਪਰ ਕੁੰਜੀ ਸੰਤਾਂ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹਸਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ।
जे महापुरशां ने रात नूं कहता ना दिन है जी दिन, जे दिन नूं कह दिता रात है जी रात है। मेरे कोई शब्द नहीं, जिंदगी दे 40 वरे जिन्हां ने बिस्तरे ते पिठ ला के नहीं वेख्या उन्हां दे मुबारक बचन मैं संगतां नूं बेनती करदे आ कि रौला रूला पाउण वाले तां बथेरे मिल जाणगे। संत मारे कहिंदे हुंदे सी, कहिंदे ऐं तां इक गाउण वाली लखां दा दिल ला दिंदी आ, पर जिहड़ी मन दी गल करनी ते गुरु की संगत जीवन की गल करनी किसी जीवन वाले पुरश तो मिल सकती है। मैं संगत नूं गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च एक बचन कहने वास्ते जा रहा। मेरी तहा निकल गई मैं उन्होंने दिनों के, मैं बाबा जी के सामने तारीफ नहीं करनी चाहता पर मैं करे बिना रह भी नहीं सकता। गल इस तरह कि मैनू न्यूयॉर्क के किसी ने कहा बाबा जी तुसीं किहड़े महापुरशां दे संगी हो। मैं क्या जी मैं सारे संतां का सत्कार करदा पर असी संत बाबा ईश्वर सिंह राणा साहब वाले की चरण छोह दास नूं प्राप्त हुई। वह प्रेमी कोई जोश विद्या का बड़ा माहिर सी। उन्हें मैनूं 5-4 गल्लां इहो जिहियां दसियां जिहड़ियां मेरे ख्याल है कि मेरे जीवन दे विच बहुत जल्दी ही घट गईयां। गल करदे करदे कहिंदा जी तुहाडे राणा साहब च कोई श्रीमान जी हैरान मैं इन्ना होया कि वह मणके च रख के ना जिहदा मर्जी ना कढ दिंदा सी। कहिंदा कहिंदा भेवे वालिओ बाबा ईश्वर सिंह दी तुहाडे ते कृपा तां है ही है। कहिंदा इक संत बलवंत सिंह ने कहिंदा तुहाडे राणा साहब जो उहनां दी तुहाडे ते बड़ी कृपा। साहसन जी मेरी तह निकल गई और मेरे को रहा ना गया। वह महापुरख हुण तुहाडे सामने आ रहे हैं, इत्थे बेअंत महापुरश बैठे ने एक दू एक झटांदियां ते हुण झाती मार लो भी अज स्टेज तों थले मैं भी नहीं जाणा क्योंकि पिछली बारी कह दिंदे ने कि बाबा जी आप तां कई बारी घर दे विच सज्जण आए प्रौहणे भी तोरने पैंदे ने, इह संत प्रौहणे ने आए संत प्रौहणे। जिंदगी च रातां बड़ियां आउंदियां ने, शराबां पी के कढ दी दियां ने, कदे नच के कदे टप के कदे गा के कढ दी दियां ने, कदे टीवी सिनेमा देख के कढ दिंदियां ने। पर मैं दास साहब जी नूं बेनती करदा आ रात ना अज आपां सारिआं ने गुरु ग्रंथ दे चरणां दे विच बिताउणी है। दास ने सिर्फ 15-20 मिनट भी जे तुहाडे तों दूर होए ना तां संत बाबा बलवंत सिंह जी होरां नूं तोरन वास्ते सीओप करन वास्ते जाणा है। पर मैं संगत नूं बेनती कर देना चाहुंना इत्थों किसी भी माई भाई ने हिलण की कोशिश नहीं करनी, आ लाहा लै लो ए लै लो लाहा। परमेश्वर ने मानस जन्म नाम जपण वास्ते दिता पर सारिआं तों जपिआ नहीं जांदा, बिरलियां बिरलियां दे हिस्से च आया। बिरले बिरले बंदे तेरे नाम दे बाबा, बिरले बिरले बंदे तेरे नाम दे बपारी, बिरले बिरले बंदे तेरे नाम दे बपारी, बिरले बिरले बंदे तेरे नाम दे बपारी। बिरले बिरले बंदे Thank you.
बिरले बिरले बंदे तेरे नाम दे बपार बिरले बिरले बंदे तेरे नाम दे बपारी जिनू प्रेम लग जाता शौक जाग आउंदा ओ फिर सौन चंगा नहीं समझते सारी सारी रात भजन करते सच्चे नाम ने बरागी तेरे सारी सारी रात जागने सच्चे नाम ने बरागी तेरे सारी सारी रात जागने सच्चे नाम दे बरागी तेरे सारी सारी रात जागते संत जी महाराज संत हरजिंदर सिंह जी दबलान वाले ओ 15-20 मिनट लई महापुरखां नूं श्रद्धा दे फुल भेट करनगे संत हरजिंदर सिंह जी दबलान आश्रम तों वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु आए प्रभु शरणागति किरपा ने दयाल एक अखर हार मन वास्त नानकू तनिहाल नाम रहूगा रहेंगे साधु और सारी झूठी दुनिया नाम रहूगा रहेंगे साधु और सारी झूठी दुनिया फरमान है बाबाणियां कहानियां पुत सपुत ग्रहण दे महावाक अनुसार जो के संत बाबा मान सिंह जी महापुरखा ने सतगुरु जी पातशाह जी कृपा दा सदका संगतां दे सहयोग द्वारा हर साल दी तरह महापुरखा दी याद नूं मनाउंदिआं होइआं इह बहुत वड्डा समागम रखणा कीता है उहनां महापुरखां दी आपां याद दे विच जुड़े आ सचखंड वासी ब्रह्म ग्यानी धन धन संत महाराज संत बाबा ईसर सिंह जी रब रूप राड़ा सहवाले पूर्ण महापुरख जिन्हां ने सारी जिंदगी परोपकार ते लाउणी कीती जिन्हां ना बिसरे नाम से कनेहिया भेद ना जाणो मूल साई जिहे उहनां महापुरखां की याद विच आपां जुड़िया जिन्हां ने प्रेतां नूं मनुखा देह देणी कीती जिन्हां महापुरखां ने 70 साल 21 दिन की उम्र के 50 साल गुरबाणी का कीर्तन करके सासंग 8 लाख प्राणियों खंडे वाटियां बरसका के गुरु के जहाजे चाढ़ना किया उन्हां महापुरखां की याद में जुड़े हैं उन्हां महापुरखां की कृपा सासंग
संत बाबा मान सिंह जी महापुरखा से है जो सात सिंह महापुरखा के नाम हो चारचन ला रहे हैं देशों विदेशों के नगर शहर जा करके गुरसिखी का प्रचार भोले भड़के लोगों गुरबाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब सरचे पाठ के नाल जोड़ रहे हैं। ये सारी कृपा सतगुरु जी की है महापुरखों की है जो महापुरखों के नाम हो संत बाबा मान सिंह जी चारचन ला रहे हैं सात सिंह परोपकार के काम कर रहे हैं। सतगुरु जी कृपा कर इस तरह महापुरख गुरसिखी का प्रचार परोपकार के काम करते रहन तंदुरुस्ती दे रूपता बख्शन। सो आओ सात सिंह इतने हाजरियां प्रवान करनिया बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी के सामने भाई हरनाम सिंह जी हजूरी रागी जथा श्री दरबार साहब हरिमंदर साहब तो 10-12 मिनट लई आप जी की सेवा विच महापुरखा 10-12 मिनट लई श्रद्धा दे फुल भेट करनगे भाई साहब भाई हरनाम सिंह। जो भी राम नदियां वा बिछने आ मेला संजो की राम नदियां वा बिछने आ मेला संजो की राम सहज जाने हार पछाने सतगुरु जिन चेतिया सतगुरु जिन चेतिया चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी सतगुरु जिन चेतिया चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी छिन छिन औद बिहात है फूटे कट ज्यों पानी कोई सहज जाने हार पछाने सतगुरु जिन चेतिया सतगुरु जिन चेतिया दिन नाम हार के परम पूले पच मुकद चेतिया पच मुकद बड़ भागे हाँ आप सारे संत महापुरश संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े वाले तिना की समूह याद विच आप जुड़ बैठे हाँ। शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन चरणा कमलों में आप सारे ने रल मिल के बाणी का कीर्तन गाव्या है सुनिया है सतगुरु पातशाह रहमत करन साडा सबनों का गाव्या सुनिया सतगुरु थायम पा लैन सभना दियाँ हाजरियाँ सतगुरु अपने दर पर प्रवान करन साडे हिरदे अंदर बाणी का प्यार गुरचरणा का प्यार सतगुरु बख्शिश करन कीर्तन की आप जी ने इतनी कु सेवा प्रवान करनी जी आप सारिया संगतां दा संत बाबा मान सिंह जी जो हमेशा ही दस जयां नूं प्यार माण सत्कार बख्शते रहिंदे ने तिन्हां दे सहयोगियों का सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हुण आप जी दे सामने 15 मिनट लई संत जी महाराज संत गेजा सिंह जी नानकसर कलेरां वालियां दा जथा महापुरखां नूं श्रद्धा दे फुल भेट करनगे। उन्हां तों बाद साडे हरमन प्यारे संत जी महाराज संत लखवीर सिंह जी रतवाड़ा साहब वाले ओ महापुरखां नूं श्रद्धा दे फुल भेट करनगे। अंचल ला तिन लिया अंचल ला तिन लिया अंचल ला एक जो सा
वालियां दा जथा जिन्हां बड़े प्यार सत्कार दे नाल महापुरखां नूं श्रद्धा दे फुल भेट कीते तहि दिलों धन्नवादी हाँ। हुण आप जी दे सामने संत जी महाराज संत लखवीर सिंह जी रतवाड़ा साहब वाले ओ 20 मिनट लई संगतां दे दर्शन करनगे महापुरखां नूं श्रद्धा दे फुल भेट करनगे। संत जी महाराज संत लखवीर सिंह जी रतवाड़ा साहब वाले युग अटल तन तन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी हजूरी विच ब्रह्म ज्ञानी संत महाराज जी राड़ा साहब वालियां दी मिठी निघी जात सत्कार जो संत बाबा मान सिंह जी भेवे वालियां दी प्रेरणा सदका मना रही गुरु प्यारी सत संगत सतगुर अकाल पुरख दी बख्शिश है जो आपां गुरु परमेश्वर दी शिव सलाह विच जुड़ के महापुरशां दी याद मना के अपने स्वासां नूं सफल कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरश जेड़े जन्म मरण तो रहत संसार दे भले वास्ते संसार ते प्रगट हुंदे ने कदी जाया नहीं करदे कदी उन्हां दा विछोड़ा नहीं पैंदा क्योंकि वह जन्म मरण तो रहत ने और कादे वास्ते आउंदे ने जन्म मरण दोहों में ना ही जन पर पुकारी आए जी दान दे भगती लाइन हर्ष्यों लैन मिलाए ओ पर पुकार लई आउंदे ने संत प्यारे पर पुकार लई आउंदे ने संत प्यारे अज जिन्ने परपकार हो रहे ने किते जर्ग स्थान है रतवाड़ा साहब है और जिथे आप जी बैठे हो सचखंड ईश्वर दरबार महापुरशां दे नां ते इह स्थान भेवे वाले महापुरश करके संसार ते आज मशहूर होर किन्ने स्थान बने ने किते अलौरा है यह सारी बख्शिश वह महाराज संत महाराज जी दी राड़ा साहब वालियां दी जे आपां इह कह दईए भई उन्होंने कई रूप धारण कर ले संसार का भला करने वास्ते वो सारे विच वस रहे सो वो शरीर के हुंदिया भी अकाल मंडल विच रहिंदे जिवें समुद्र विच कड़ा है विच पानी है सिर्फ व्याधी करके वरखा नजर आउंदा जब कड़ा फुट जाता है पानी कित्थे जाता है पहला भी समुद्र विच सी फिर भी समुद्र विच वो जब शरीर विच विचरदे ने उस वेले भी अकाल पुरख नाल अभेद हुंदे ने ये नहीं कि शरीर छड़न तो बाद कोई उन्होंने मुक्ति प्राप्त हुई तो पहला ही मुक्त होंगे ऐसे महापुरश एक तो होंगे जेडे तपस्या कर करके सत्संग अकाल पुरख की गोद च पहुँचते हैं पर जो राड़ा साहब वाले संत महाराज जी ऐसे महापुरश जिन्होंने पहला बख्शिश प्राप्त की फिर संसार से प्रगट होए हर जन दो एक हैं बि विचार कृष्णा जल ते उपज तरंजो जल ही विखै समाए उन्हों का कदी नहीं विछोड़ा पैंदा इस करके वह सदा नाल ने उन्हों का वासा कितने होंगे शरीर में रेंद्या भी अकाल मंडल च रेंदे ने जब शरीर लोप करते हैं उस वेले भी उन्हों का इतने वासा होंगे जिथे भगत कबीर जी दसते हैं वो सत चित ते आनंद वाला देश है जिथे जाके साधु वसदे चित ते आनंद वाला देश जिथे जाके साधु वसदे देश है Thank you.
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਢ ਮਾਜਰਾ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਭੇਵ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਭੇਵ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੀਰਘ ਆਜੂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਰਾੜਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ 4 ਚੰਦ ਲਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਓ ਉਹ ਪਿਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਿਆ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਨਾ ਜਾਣ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਤਾ ਪਰ ਪੂਤ ਨਸਲ ਪਰ ਘੋੜਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਕੀਰਤਨ, ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗਊ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖੀਏ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਕੀ ਤਰਸਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕੀਤੇ, ਨਵਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਅੰਚਲ ਕਹਿ ਹੈ ਕੈ ਸਾਧ ਕਾ ਤਰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਅੰਚਲ ਕਹਿ ਹੈ ਕੈ ਸਾਧ ਕਾ ਤਰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਾਧਿਆ ਉਤਰੈ ਸਭ ਪਰਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਾਧਿਆ ਉਤਰੈ ਸਭ ਪਰਵਾਰ, ਅੰਚਲ ਗਏ ਹੈ ਕੈ ਸਾਧ ਕਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਅੰਚਲ ਕਹਿ ਹੈ ਕੈ ਸਾਧ ਕਾ ਤ
गुरबख्शी सिंह जी जिन्होंने महापुरखों नूं शरदा दे फुल भेट किए। हुण आप जी दे सामने संत जी महाराज संत कश्मीरा सिंह जी अलौरा साहब वाले वो महापुरखों नूं शरदा दे फुल भेट करनगे। हर संत तुम्हारे जिन कर धन हर नामा जी सतगुरां दी सज्जी नवाजी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी धन 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 साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी बैठ के ब्रह्म ज्ञानी संत जी महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह राड़ा साहब वाले महापुरशां की सालाना याद संत बाबा मान सिंह जी भेवेले महापुरशां दे उद्दम दा सदका संगतां दे सहयोग नाल दुपहर तों लै के हुण तक अमृत वेले तक गुरबाणी दीआं विचारां गुरमत दीआं परमार्थ दीआं विचारां संगतां सरवण कर रहीआं हन। कईए बैठे विचार जरूर करदे होणगे कि जेड़ा भी महात्मा बुलारा लगता है महापुरशां की वड्याई करता है दरबार धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का है ते वड्याई संतां दी करदे ने। सतगुरु महाराज आप उपदेश करदे ने जो हर दर्शन की उस्तत है सा हर की वड्याई अपनी वड्याई भाम दी जन का जयकार कराई। जे कोई पुत्र दी वड्याई करे तां पिता दी उपमा करन दी लोड़ नहीं पैंदी क्योंकि चंगे पिता दा ही पुत्र चंगा हुंदा है दसन वाले महापुरश संत ने। पर अज विद्या दा युग है सारे आपां पढ़दे रहने आ पढ़े लिखिया दीआं किताबां वो कहिंदे कोई संत नहीं होया ये तां बाणी च गुरु नूं ही संत आख्या ते जे किते उन्हां दी पेह चले वो कसर भी ना छड्डण जां तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी भी नहीं पढ़दे ते जां जदों शब्द आउंदा अखां मीट लैंदे ने कहिंदे ने गुरुआं वेले बाबा बुढ़ा साहिब जी भाई गुरदास जी भाई बिधी चंद जी कोई संत नहीं होया ये आपे ही सारे बने फिरदे ने। पर जे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बेनती करके पुछिए सच्चे पातशाह आप कृपा करके दसो भी संत होया कोई कि नहीं होया तां सतगुरु महाराज कहिंदे संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हर नाकश नख है बदारे। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे संत सतयुग विच भी हैगे प्रहलाद सतयुग विच होया। हुण प्रहलाद नूं गुरु तां नहीं कह सकदे भगत कह सकदे आ संत कह सकदे। फिर सतगुरु महाराज स्पष्ट कहिंदे ने क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर को दीना कुंचर पोट लैले नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजहू न पतीना। भगत कबीर जी ने संत लिखिया बाणी दे विच थां थां ते संत साध जन गुरमुख। एक इंग्लैंड विच सानू डॉक्टर मिलिया संत महाराज बाबा मान सिंह जी चंगी तरह उन्हें जानते होणगे
वो कहिंदा जी मैनू संतां दे नाम तो एलर्जी बहुती सी, मैं चंगा ही नहीं सी समझदा संत शब्द नू, मैं बहुत एंटी सी इस गल तो कि संतां वाली गल मैनू भौंदी ही नहीं सी। मैं भी कहिंदा सी आप ही बने ने, कोई संत नहीं हुंदा। कहिंदे अकाल पुरख संत है ते जां गुरु संत, पर उन्हां दी विचार वो है भी तू सुल्तान कहां हो मियां तेरी कवन वडाई। गुरु नूं संत कहना कोई वडियाई नहीं हुंदी, अपमान है गुरु शब्द दा। संत नूं कदे गुरु नहीं कहना चाहीदा ते गुरु नूं कदे संत नहीं कहना चाहीदा। संत तां गुरु नानक दे गुरु घर दा सेवक है ते सेवक बन के सेवा करदे ने, भावें सत्कार है सेवक होण करके। संत कदे अपने आप नूं गुरु नहीं सदाउंदे ते गुरु नाल जोड़दे ने। कहिंदा जदों उड़ीसा दे विच जां गुजरात दे विच भूचाल आए हुए सी, ये गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी है, मिथ्या वाक नहीं कहना चाहिए, सचखंड है जिथे आप बैठे। कहिंदे साडी टीम इंग्लैंड तो भेजी गई उन्हां दी देखभाल वास्ते, दवाई बूटी वास्ते, केयर वास्ते, ते कहिंदे असीं लोकां नूं दवाइयां देंदे फिरदे सी, जो कुछ सानूं गौरमेंट वल्लों ऑफर सी उही वरतौणी सी असीं तां। कहिंदे उत्थे फिर महापुरशां दा पर उपकार देखिया, जो संतां दा मुख फर्ज है जन पर उपकारी आए। उपकार तां सारी दुनिया करदी है, घर वास्ते, परिवार वास्ते, कुटुंब वास्ते, शरीर वास्ते, महल माड़ियां जायदादां धन पदार्थ, जिहदा रिजल्ट कख नहीं है, नेरे ही ढोण वाली गल है। पर किसे वास्ते उपकार करना, अपना बिगाड़ बराना संडा इहदा नाम पर उपकार है, अपना बिगाड़ के किसी का सवार देना। कहिंदे जदों असीं महापुरशां नूं उत्थे पर उपकार देखिया करदिआं, कहिंदा मेरा मन द्रवीभूत हो गया, लोकी एवें कही जांदे ने संत है ही नहीं। कहिंदे जे धरती उत्ते धर्म है तां संतां करके है, जे गुरु अर्जन देव जी महाराज वी कहिंदे ने मार्ग संतां दा धर्म दी पौड़ी कर लो वड्डे भागां वालिओ, मार्ग संतां दा धर्म दी ओ कर लो वड्डे भागां वालिओ। परोपकार करते ने महापुरश संसार ते आके, जेड़ा होर कोई कर नहीं सकता। धन पदार्था राजे लोग भी बथेरा वंडते ने, जमीन जायदादा देने वाले लैन लड़ लोग बहुत ने, बाकी अन्न वस्त्र दे दान दुनिया उत्ते दानी बथेरे देंदे ने, पर जेड़ा दान महापुरश दे सकते ने होर कोई नहीं दे सकता। इस करके सतगुरु महाराज कहिंदे संतन बिन अवर ना दाता बिया, होर कोई ना वर्गा दाता नहीं है। जो जो सरन परे साधु की सो पार ग्रामी किया। फिर इत्थे सवाल पैदा हुंदा है, आप तां घर बार छड के आउंदे ने, लकीर दे फकीर हुंदे ने, ते लोकां नूं दान की करदे ने, महल माड़ियां फकरां कोल नाहीं, ना ही फकरां कोल जंगीर देखी। दया सिंगा जो मौज फकीर माने, ऐसी मौज ना किसे अमीर देखी। जिहड़ा आनंद महापुरशां कोल है, भावें कशहरा परना मोढ़ा धर मोढ़े धर के फतेह बुला के जदों मर्जी चले जाण, दावा काहूं स्यों नहीं बड़ा देश बडराज। सारी सृष्टि दा राज महापुरशां दा नहीं, तिन्ने लोकां विच राज हुंदा है। महापुरश कहिंदे जिथे लंगर चलदा उस जगह दी तिन तिन्ने लोकां च जस हुंदा, कीड़े पताल विच भी लै के चले जांदे ने, आकाश विच भी पंछी लै के उड जांदे ने। असीं जदों आए हां ना उधरों पटियाले वल्लों, तां मीलां तक संगत सी,
ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ। ਜਿੱਡਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਨੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਭੇਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਵੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਵੇ ਨਾ ਘਟਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਵਾਓ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੀਰਘ ਆਕਸ਼ੂ ਬਖਸ਼ਣ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਦਬਲਾਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਸੀ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਨਦਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੇ ਹੋਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ ਬਾਈ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਆਉਂਦੀ
मौजमो कहो कैसी अनुमान कहबे मो शोभा नहीं देखा ही प्रवान चरण कमल की मौजमो रहो अंतर आद एड़ा चरना दा प्यार है महापुरुखां दी शरण दरबार विच रहना वो आनंद लेना वो ता सासन कह पे मो शोभा नहीं देखा ही प्रवान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी अमृतमई बाणी दा प्रवाह महापुरुखां ने कुंभ रचे है बाबा जी भेवे वालिया ने किड्डा परोपकार साडे सड़दे वलदे मनां नूं शांत करन वास्ते ये सानू घर घर संदेश दे रहे हैं गुरु मान्यो ग्रंथ आत्मा गुरु ग्रंथ विच शरीर पंथ विच दीदार खालसे दा परचा शब्द दा ओट अकाल पुरख दी बड़ी कृपा कीती गुरु पंचम पातशाह जी ने साडे कलजुग जीवन ते जिन्हां नूं बचपन तो ही खिताब मिलिया दोहिता बाणी का बोहिता ए सन संत जी महाराज संत अमरीक सिंह जी पंज भैणियां वाले जिन्हां ने महापुरखां नूं बड़े प्यार सत्कार दे नाल शरदा दे फुल भेट किए तह दिलों धनवादी हाँ जिन्हां राहां तो चल के आए ने उन्हां राहां तो बलहार जाते हाँ हुण मैं भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी संत जी महाराज संत बाबा ठाकर सिंह जी के जथेदार उन्हां नूं मैं बेनती करांगा नाले महापुरखां नूं सरोपा भेट करनगे नाले दस मिनट लई संगतां दे दर्शन करनगे महापुरखां नूं शरदा दे फुल भेट करनगे धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद वे सज के गुरु की गोद का आनंद माण रही गुरु स्वरूप खालसा सात संगत जीओ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं चघाओ सीस गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सतगुरु महाराज दियां रहमतां होईयां महापुरशां ने अपना सारा जीवन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों से अर्पण कर दिता और संसार दे विच विचरदियां होईयां गुरसिखी दे मिशन का प्रचार किया धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नाल जोड़ना किया जिन्हां जिन्हां ने नाम जपिया उन्हां नूं की प्राप्त होया सतगुरु महाराज जी की पावन बाणी कहिंदी है जिन सेविया तिन पाया मान जिन्हां जिन्हां ने भी परमेश्वर नूं सेविया सिमरिया है उन्हां नूं बहुत वड्डा मान प्राप्त होया केड़ा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दसम बाणी विच कहिंदे हन हर हर जन दोई एक है बेबिचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे भाई साहब भाई गुरनाम सिंह जी दमदमी टकसाल वाले वह भी दस मिनट लई महापुरखां नूं शरदा दे फुल भेट करनगे उन्हां तों बाद पांच सत्त मिनट लई भाई गुरदयाल सिंह जी मनसूरवाल तो वह महापुरखां नूं शरदा दे फुल भेट करनगे उन्हां तों बाद संत जी महाराज संत हरपाल सिंह जी अगला प्रोग्राम इन्हां तों बाद साहिबे कुल आलम जुगो जुग अटल चवरां छतरां तख्तां दे मालक ब्रह्म स्वरूप जिन्ने भी मर्जी विशेषण दे लईए सारे ही थोड़े पै जाणगे सतगुरां दी महिमा अगाध बोध है मुकदी गल धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहिब जी आंदी पवित्र बारगाज विच विराजमान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ विचारां दी सांझ तों पहलों दसमेश पिता महाराज पुत्रां दे दानी अमृत दे दाते बादशाह दरवेश साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का बख्शिया होया फतेह का नारा बुलंद कर लईए कोई भी रसना वांझी ना रह जावे ते कोई भी मन गुरु चरणा तो खिंडिया ना रह जावे आपो अपने मना नूं सतगुरां दे शब्द उपदेश नाल एकागर करके इक्के वार कहण तो गज के बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਕੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੋ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਨਿਵ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੰਤ ਜੀ ਸੰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚੁਲੂਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਭਿੰਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਝਕੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧੰਨਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਬਣਾਏ ਹਨ,
आप उन्हां संत महाराज जी दी साध संग जी मिठी प्यारी निघी याद विच जुड़ बैठे हो, बहुत ही धनता दे योग हो साध संग जी दास। इस स्टेज ते कीर्तन बख्यान करन वास्ते नहीं आए, सिर्फ संत महापुरखां दी संगत दी धूड़ी नूं परसन वास्ते आए हाँ, क्योंकि साध संग जी महापुरखां दे नाल उदों तों जिन्हां साध संग जी महान शख्सियत श्रीमान संत ज्ञानी मोहन सिंह जी आजाद जिन्हां ने साध संग जी महापुरखां दे जीवन लिखे हन, जिहड़े साध संग जी ओह जीवन नूं पढ़ करके आपां महापुरखां दे जीवन बारे आपां प्रभावित हुंदे हां कि महापुरखां ने किहड़े किहड़े कौतक कीते ने साध संग जी उहनां संत ज्ञानी संत ज्ञानी मोहन सिंह जी आजाद उहनां दे नाल दास धारना पढ़िया करदा सी महापुरखां दे अस्थान ते। संत बाबा मान सिंह जी भेवे वाले साध संग जी जिन्हां दा रोपड़ दे कोल सर्वत संगतां नूं पता ही है कि फूल विखे अस्थान है, उस जगह ते महापुरखां दे दर्शन कीते सन। सो अज श्रीमान संत बाबा मोहन सिंह जी मुकंदपुर वालिया ने साध संग जी दास नूं भेजिया है, क्योंकि साध संग जी वह भी महापुरख बेअंत लंगर लाउंदे हन, इमारतां दी सेवा कर रहे ने। संत महापुरख संत बाबा मान सिंह जी इन्हां महापुरखां दे नाल उन्हां संतां महापुरखां दा अथाह प्रेम है। 5-7 मिनट लई महापुरखां नूं शरदा दे फुल भेट करनगे दीदार सिंह दर्दी दा ढाडी जथा। इत्थे समें दी समाप्ति है भाई साहिब भाई मनी सिंह साहिब जी वल्लों महापुरखां वल्लों संगतां वल्लों बहुत सारी माया आई सतगुरु चढ़दी कला। ये ढाडी जथा भाई दीदार सिंह दर्दी लोहियां खास, फोन नंबर 0-1821-6090-154-14-432 याद करो, तुहाडे चरण परसांगे। महापुरशां दा सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। भुल्लां चुक्कां दी मुआफी दिंदे होए फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हुण इह सन दीदार सिंह जी दर्दी जिन्हां ने शहीद उधम सिंह दी वार सुणा के ते कहिंदे अमृत वेला है ते मैं ठंडी जी वार सुना दिया। तो मैं कहा सिख तो अमृत वेले ही जंग जंग के मैदान में जदों कुदते सन तो फिर अमृत वेले ही तैयारी करते सन। मैं कहा अमृत वेले जरा कहना गर्मो गर्म वार सुना दे, टाइम घट सी चित करता सी एक वार होर सुनी जाए, पर टाइम घट होण करके असी भी खिमा दे जा चुका। संत बाबा करम सिंह होती मरदान वालिया दी अकैडमी दे बच्चे ओ महापुरखां नूं श्रद्धा दे फुल भेट करनगे। परम सत्कारयोग गुरु जी साहिब जी नूं अज सत संगत जीओ सरबत माई भाई धनता योग हो जो आत्मक सुख देने वाली रब्बी बाणी ये ठाठा मारदा समुंदर जो देख रहे हैं आपां सारियां संगतां, क्योंकि इस कोने कोने तो संसार दियां आईयां सिख संगतां वड्डे भागां वाले हो, क्योंकि अज सत्कार जो बाबा ईसर सिंह जी दे याद नूं ताज़ा करन वास्ते आपां समूह संगतां देशां प्रदेशां तों हुम हमा के सत्कार जो बाबा मान सिंह जी पिहवा वाले जिन्हां दी महिमा इस इलाके विच हरियाणे विच पंजाब विच सारे तकरीबन इंडिया विच भी अते बाहरले मुल्कां विच भी बहुत ज़्यादा है। दास गुरद्वारा छेवें पातशाही कुरुक्षेत्र विखे हैड ग्रंथी की सेवा कर रहा सी, पिछे भगत रविदास जी का गुरपुरब उन्होंने मनाया सी गुरुद्वारा छेवीं पातशाही कुरुक्षेत्र विखे नज़दीक गुरु रूप साध संगत उत्थे बाबा जी की अपार बख्शिश हुई सी। दास नूं बाबा जी ने सरोपे नाल सन्मानित किया सी। अज भी मैं इस स्टेज पर पुज के सिख संगतां दा धन्नवाद करना चाहुंदा, क्योंकि एक बेनती कहांगा उस तो उपरंत समाप्ति कर देनी है। भाई गुरुदास जी ने एक बचन कहा, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुई लेत है। जिहड़ा मनुख एक कदम गुरु वल पुटदा ना करोड़ां कदम परम पिता परमेश्वर उस गुरुसिख नूं अगों लैण वास्ते जांदे ने। इस करके जो भी इत्थे माई भाई दूरों दरेडियों चल के आया ना सतगुरु जी ने बचन किया मन बेचा सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। जदों तुसीं अपने मन नूं गुरु अगे अर्पण कर देवोगे ना तो तुहाडियां भावनावां तुहाडियां शरदा सारियां संसार विच पूर्ण
हो जाणगियां क्योंकि बाबा जी का इतना यह सरसूक है सारे हिंदुस्तान की पावन धरती ते भी अते बाहरले मुल्कां विच भी क्योंकि किस कारण बाबा जी नूं लोक रब का रूप जाणदे ने किस कारण क्योंकि इन्हां दा जीवन सतगुरु के चरणों में अर्पण है। इत्थे कोई संतां वाली परिभाषा नहीं, ये कोई ऐसी देहधारी गुरुआं वाली गल नहीं करते, ये तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़न का यतन कर रहे हैं। मैं यही मनुखता नूं बेनती करांगा कि सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में जुड़े हाँ, अज उन्हां महापुरशां नूं याद करन वास्ते इत्थे आए हाँ, तो गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लगना। सतगुरु जी ने वचन किया अगे आ भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सीखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां मानयोग वीर SDO साहब कुरुक्षेत्र तो बिजली वाले उन्होंने नाल दस हाजिरी भरी है। स्टेज सकत्तर दा अते बाबा जी दा बाबा मान सिंह जी दा तह दिलों शुक्र अदा करदा हाँ जिन्हां दी पावन स्टेज ते पहुँच के दस नूं चरणां संगतां दे चरण तोड़ लाउण दा मस्तक नूं सुभाग प्राप्त होया। गुरु रहमत बख्शिश करन, इसे तरह गुरु नाल जुड़ो, अमृत छको, गुरु घर विच जुड़ के गुरु दी चरणां दी महान सेवा करो। लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, समा इजाजत नहीं दिंदा, इस करके विस्तार पूर्वक ना जाते हुए फतेह दी सांझ करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सन भाई कुलवंत सिंह जी आओ हुण रोपड़ चलीए जिथे संत जी महाराज संत बाबा मान सिंह जी पहेवे वालिया ने एजुकेशन दे माहौल नूं देखदिया होया एजुकेशन का युग है उत्थे संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले जिन्हां दा डेरा पाकिस्तान विच सी ते उन्हां दे नां ते उन्हां महापुरखां ने कहा सी साडा नां लै के कोई किथे भी बह जाएगा उहदी चढ़दी कला हो जाएगी। तो आओ रोपड़ दी अकैडमी चलीए उत्थे दे बच्चे महापुरखां नूं संत बाबा ईश्वर सिंह राणा साहब वालियां नूं किवें शरदा दे फुल भेट करदे ने। आप जी दे सामने संत करम सिंह जी अकैडमी दे बच्चे इउं शरदा दे फुल भेट करदे। खालसा जी, सब तो पहला गुरु साहब जी का बख्शिया फतेह का जकारा बुलंद करिए। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा जी, धन धन संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े वाले महारा पुरखां दी उन्नतवीं सलाना बरसी ते असें इस संपर्दा दे पहले रतन पंजा प्यारियां दे मुखी भाई दया सिंह जी बारे कुछ सत्रा कविता दे रूप विच पेश कर रहा है। खालसा जी, ए संपर्ता भाई दया सिंह जी तो शुरू हुई। इस संपर्ता दे नौवें रतन संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी हुए। अज असीं भाई दया सिंह जी संपर्ता दी सेवा निभाउन वाले सनौमनी संत बाबा मान सिंह जी अते बाबा मोहन सिंह जी प्योवे वाले महापुरखां नूं कोटान कोट प्रणाम करते हाँ जिन्हां ने वक् वक् विद्या दे मंदिर खोले सानू आप जी दे सामने कविता पेश करन दा मान दिता। इस संपर्ता दे सतवें रतन संत करम सिंह अकैडमी दा जथा आप जी दे सामने ये कविता यूं पेश करन जा रहा है। Okay.
ये सन एस आई एस अकैडमी संत ईश्वर सिंह अकैडमी दियां बच्चियां जिन्होंने बड़े प्यार सत्कार दे नाल अपने महापुरखों नूं शरदा दे फुल भेट किए। तह दिलों धन्नवादी हाँ। हुण बाबा मान सिंह पब्लिक स्कूल दियां बच्चियां एक शब्द राही महापुरखों नूं शरदा दे फुल भेट करनगियां। एक डेढ़ मिनट लई बलवीर सिंह जी बल महापुरखों नूं शरदा दे फुल भेट करेगा। परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दुनिया के कोने कोने तो संत बाबा ईश्वर सिंह जी नूं शरदा दे फुल अर्पण करन आए हुए साध संगत जी, एक शेर मैं महापुरशां बारे कहांगा, एक शेर गुरु खालसे बारे, ते एक शेर जगत माता माता गुजरी बारे कविता नहीं कहांगा। संत ईश्वर सिंह जी मोड़ मोड़ ते हाजर ने, ओ हर एक मोड़ ते हाजर ने, मन मोह माया तो मोड़ गए, पर गुरु ग्रंथ साहब दे चरणा नाल सानू पक्कियां करके जोड़ गए। मरन विच है जिंदगी ते जीण दे विच की पिया, तुसी रखियो पंथ विच एकता, संत ईश्वर सिंह मुड़ जी पिया। गुरु गुरु तां हर कोई कहिंदा है,
गुरु दे होके रहना सिखो, किसे दुखी दा दुख वेख के दुख जिगर ते सहना सिखो, अमृत वर्गा मिठा मिठा बोल जबानों कहना सिखो, जे लेना है कुछ नानक दर तो बनना भी भाई लेना सिखो, जे लेना है कुछ नानक दर तो बनना भी भाई लेना सिखो, सिख नू कोई दबा के नहीं रख सकता, 10 लाख होन जालम सिख कला होवे, सिखा दुनिया तो जुलम समेट देना है, सिख दा सिर ले जाए कट गला होवे, हिंदू आखदा राम या लल्ला होवे, मोमन आखदा अल्लाह ही अल्लाह होवे, सिंगा दुनिया ते इसलिए राज करना है, रोज आखन सरबत दा भला होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण आप जी दे सामने परपकार दी मूरत, दुखियां दा दुख ना सहारदे होए अपने शरीर ते दुख जरन वाले, भुखियां दी भुख ना सहारदे होए उन्हां दे महाराज नूं शरदा दे फुल भेट करनगे। प्यार दी मूरत, सेवा दे पुंज, महापुरख एक बारी जंकारा छड़ दिओ, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संत महाराज बाबा राणा साहब वाले जिन्हां दी अपार कृपा ते मेहर दा सदका आप सब माई भाई अपना जन्म सफला करने वास्ते एकत्र होए हो, आप जी नूं इत्थे आया नूं असीं जी आया आखदे हां, अते आप जी दे बहुत धन्नवादी हाँ। कोई सेवा करके अपना जन्म सफला कर रहा है, अखां दे नाल गुरु महाराज दे दीदार कर रहे हो, कन्नां द्वारा आप जी बाणी शर्म कर रहे हो, जवान दे नाल आप जी हर जस कर रहे हो, इस तरह जिस इंसान नूं संगत मिल जाती है उसनों सब कुछ मिल जाता है, सत्संग ही है जो इंसान नूं अच्छे कम अच्छे पासे ला जाता है। सत संगत मिले सोई तरिया मेरे माधो जी, सत संगत मिले सोई तरिया मेरे माधो जी, पातशाह तुहाडियां सारयां दियां मनो शुभकामना पूरियां करे। और हुण नौवें पातशाह दे श्लोक पढ़े जाणगे, उस तों बाद आरती होवेगी, उस तों बाद अरदास होवेगी। संगतां दे चरणां विच बेनती है, सारियां ही संगतां ने अरदास तों बाद कड़ा प्रसाद दी देग लै के फिर अपने घरां नूं जाणा। देखते हैं कई बजुर्ग जड़े पिछले साल आए सी इस साल नज़र नहीं आते, दुनिया तुरी जाती, इत्थे रहने वाला कोई नहीं है, फरीदा इन्नी नैनी देखते हैं कीती चल गई, लोकां आपू अपनी मैं अपनी पई, दूरों नेड़े चल के जो संगतां आईयां ने तुहाडा धन्नवाद करन वास्ते दास दे कोल कोई भी शब्द नहीं है। हुण नौवें पातशाह दे लोग पढ़ के जो सहज पाठन रखे प्रारंभ किए उसके भाव पाए जाएंगे, उदों बाद आरती, उदों बाद अरदास। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला नौवां, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन,
कहो नानक हर भज मना जे बिद जल कौ मीन बिखण स्यों काहे रचो निमख न होए उदास कहो नानक भज हर मना पर न जम की फास तरना पो इं ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत माल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत जोत कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अन हता शब्द वजंत पे सहस तब नैन नन नैन है तोए को सहस मूर्त धना एक तो सहस पद बिमर नन एक पद गंद बिन सहस तब गंदेव जलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिद जानन सब में जानन पूर साखी जोत परगट होए नर बाबलिए सोर साज मिलावे किन्नर गंधर्व गान करे गान जचे अपचर नृत्य दिखावे संखन की धुन कंठन की कार फूलन की बर खबर आरती कोट करे सोर सुंदर देख पर अंदर पाल जावे दानत दक्षण देखे पर दक्षण पाल में कुंकम अक्षत लावे होत कोलाहल देव पूरी मेल देवन के कोल मंगल खावे हे राम हे सासु हे करुणा ते मेरी अब बिनती सुन लीजे महला पंजवा हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान साचा साहेब सद मेहरवान बंद पाया मेरा सतगुर पूरा तुसी धन हो जड़े दूरों दरेडे हो चल के कल सवेरे दस बजे तू लैके इस पंडाल दे विच बैठे हो सज्जनों ये तुहाडियां दरगाही घड़ियां ने ये समा अंजाई नहीं जाएगा दुनिया ते जमीना जदो जायदादां धन दौलतां परिवार सब मृतवे छड के इंसान दुनिया तो चला जांदा ये तुहाडियां घड़ियां ये तुसी जिथे भी जाओगे ये तुहाडे नाल ही जाणगीआं